नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं आपका अपना एनटीवी यानी न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष। और आज की इस खबर में हम बात करेंगे हमारी दिल्ली सरकार, माफ करें, विज्ञापन पसंद दिल्ली सरकार के उस काम के बारे में, उस कार्य के बारे में जो परिवहन विभाग के द्वारा किया जा रहा है, विचार किया जा रहा है। आपको बता दें, हमारी विज्ञापन पसंद दिल्ली सरकार एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो परिवहन जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसको सार्वजनिक परिवहन कहा जाता है, उसके लिए नए रूट्स को तैयार करने की बात की जा रही है कि किन किन नए रूटों पर दिल्ली की बसें या दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है ये चलेगा। दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो उसमें आपके आएंगे क्लस्टर बसें आएंगी, DTC की बसें आएंगी, मेट्रो फीडर बसें आएंगी और मिनी बसेज आएंगी जो स्टेज कैरिज परमिट पर चलती हैं। दो प्रकार के कैरिज होते हैं, आपको पता है, स्टेज कैरिज और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज। ये बसें स्टेज कैरिज में आती हैं जिसमें यात्रियों को बैठाया जाता है, उनसे टिकट जो लिए जाते हैं उनसे किराया वसूला जाता है और इनको जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरों पर जिस तरह से छोड़ा जाता है, यानी स्टेज कैरिज, जिस तरह से DTC बसें, मेट्रो फीडर बसें, मिनी बसें और क्लस्टर बसें काम करती हैं। दिल्ली सरकार ने विज्ञापन के माध्यम से अपना ये तो विज्ञापन दे दिया, अब विज्ञापनों में आने का एक तरीका भी मिल गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि किन सार्वजनिक परिवहनों को नए रूट देने की बात की जा रही है, किन सार्वजनिक परिवहन को, DTC बसों को। DTC बसों के अगर आप नए रूट की बात कर रहे हैं तो हम दिल्ली सरकार से कहना चाहेंगे, साहब आप किन DTC बसों की बात कर रहे हैं? क्या वो बसें जो तकरीबन 100% अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं, जो कभी भी शून्य रेशो पे आ सकती हैं, जो तकरीबन समाप्त होने की कगार पर हैं और अपने कार्यकाल में आपने DTC की कोई बस तक नहीं खरीदी, या क्लस्टर बसों की बात कर रहे हैं? क्लस्टर बसों में, उन क्लस्टर बसों की बात करें जिनमें क्लस्टर में 3 कंपनियों के एग्रीमेंट या तो समाप्त हो चुके हैं या होने वाले हैं, जिससे करीब 350 बसें रोड से हट जाएंगी, या मिनी बसों की बात कर रहे हैं जिनको आप ऑलरेडी एक अनाथ बच्चे की तरह छोड़ चुके हैं और जिसको आपको कोई लेना देना नहीं कि मिनी बस के संचालक किस तरह से रह पाएंगे, रोजी रोटी कमाएंगे, उनके ड्राइवर किस तरह से अपना परिवार चलाएंगे, क्या मिनी बसें दिल्ली में चल भी रही हैं, उनके लिए कोई योजना भी बनाई जा सकती है, उनकी बात कर रहे हैं, या फिर उन मेट्रो फीडर बस सेवा की बात करें जो मिनी बस की तरह अपने अस्तित्व की अभी तक लड़ाई कर रही हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि जब दिल्ली में इस तरह के परिवहन, सार्वजनिक परिवहन समाप्त होने के कगार पर है, तो नए रूट्स पे चर्चा, विज्ञापन और न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े आर्टिकल्स का मतलब क्या है? परिवहन विभाग ट्विटर पर ये मीडिया आर्टिकल देने से साबित क्या करना चाहता है? इससे फायदा किसको होगा? क्या फायदा उनको होगा? किस तरह से फायदा होगा? हाँ, फायदा किन को होगा? दिल्ली सरकार को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि चलिए, कुछ समय से जो पेंडिंग हो गया था, अब मीडिया कवरेज मिलनी शुरू हो जाएगी, मीडिया पे आर्टिकल्स आएंगे, प्रमोशन होगा इलेक्शन जो आने वाले हैं, या फिर उन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों को फायदा होगा जिन्हें मजबूरन फिर स्टेज कैरिज के तर्ज पर चलाया जाएगा, या फिर उन बैटरी रिक्शाओं और डग्गा मार गाड़ियों को लाइन पर लाया जाएगा, चलिए जब तक इससे काम चलाते हैं। फायदा किस होगा? इनको फायदा होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि प्रमोशन के माध्यम से दिल्ली सरकार या परिवहन विभाग साबित क्या करना चाहता है? बार बार इस प्रकार के प्रमोशन और इन पर पैसा खर्च करना क्या साबित करना चाहते हैं? दिल्ली सरकार को सबसे पहले DTC की नई बसों को खरीदना चाहिए, क्योंकि DTC देश में सबसे बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर जो जिसे माना जाता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, DTC आज समाप्ति की कगार पर है। वो लगभग अपनी उनकी सारी 100% बसों की जो लाइफ है वो समाप्त होने वाली है या हो चुकी है, कभी भी सड़कों को हटाया जा सकता है, क्योंकि एक रिपोर्ट पहले भी आई थी कि DTC की लगभग सभी बसें अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि बार बार प्रमोशन से, विज्ञापनों को लाने से बेटर दिल्ली सरकार और परिवहन विभाग जो वाहवाही काम ना करने से पहले लेना चाहती है, काम करने के बाद ले, तो शायद इससे प्रॉफिट होगा, फायदा होगा जनता को भी और उन ऑपरेटर्स को भी जो एक आस लगाए बैठे रहते हैं टैक्स देते वक्त कि शायद सरकार उनके लिए कुछ बेटर करेगी। हम फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।